Hello everyone, welcome to our channel Success EduTech. We are watching our next point, soil as a resource. Listen carefully and pay attention. This is the geography lecture. Everyone is knowing that soil is the most important renewable resource. So soil is a renewable resource, yani renewable jo ki jiska पुनर्निर्माण हो सकता है, मगर वो प्रक्रिया बहुत ही बड़ी है. इट इज़ द मीडियम ऑफ द प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ. द सॉइल इज़ अ लिविंग सिस्टम. तो एक जिंदा सिस्टम है, वो एक जीवित सिस्टम है. द सॉइल इज़ अ लिविंग सिस्टम और उस पर सारी जीव सृष्टि उस पर डिपेंड है. इट टेक्स अ मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म अप सॉइल अप टू ए फ्यू सेंटीमीटर्स इन डेप्थ. तो वो सॉइल तैयार होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स यानी बहुत वर्ष लगते हैं, और उतने वर्षों के बाद कुछ थोड़ा सा उसका लेयर तैयार होता है. रिलीफ पैरेंट रॉक और बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड ऑल द फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम आर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. तो बहुत से फैक्टर्स उस पर निर्भर करते हैं, जैसे कि क्लाइमेट एक महत्वपूर्ण फैक्टर उसमें है. वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर सच एज अ चेंज इन टेम्परेचर, एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर एंड द ग्लेशियरीज, एक्टिविटीज ऑफ डीकम्पोजर्स एट्सेट्रा. तो बहुत से ऐसे घटक उसमें महत्वपूर्ण है, जैसे कि वाटर, पानी, वाइन जो कि वायु कहते हैं उसको, और ग्लेशियरीज यानी हिम नदी, और उनकी जो एक्टिविटीज़ है, वो जो कार्य करते हैं, उससे सॉइल तैयार होती है. कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन सॉइल केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस विच टेक द प्लेस इन द सॉइल्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट. तो ये बहुत से घटक उसमें अपना कार्य करते हैं, है ना. और सॉइल आर इक्वली इम्पोर्टेंट, इसके कारण सॉइल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मानी जाती है. सॉइल आर कंसिस्ट ऑर्गेनिक ह्यूमस एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स. तो ऑर्गेनिक ह्यूमस यानी सेंद्रिय जो घटक होता है वो उसमें होता है, उसे ह्यूमस कहते हैं. और इनऑर्गेनिक यानी जो रासायनिक केमिकल है उनका भी उसमें यानी वो भी उसमें कंटेन होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल फॉर्मेशन, कलर, थिकनेस, टेक्स्चर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, द सॉइल्स ऑफ इंडिया आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट टाइप्स. तो बहुत से कलर होते हैं उनके सॉइल के, और उन कलरों और उन फैक्टर्स यानी जो घटक है उन पर निर्भर करते हुए सॉइल के यानी ज़मीन के बहुत से प्रकार इंडिया में हमको दिखाई देते हैं. तो कुछ उन प्रकारों का हम अगले लेक्चर में यानी डिस्कस करेंगे. तो मैं प्रशांत जाधव अपना ये लेक्चर यहाँ पर ख़त्म करता हूँ. नमस्कार.